एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आमने सामने से टकराई दो मोटरसाइकिल, एक युवक की मौत, एक घायल। उत्पात मचा रहे युवक को पकड़ा। अमरावती जिले में 340 संक्रमित मिले, एक की मौत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दो मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना शनिवार की देर रात घटित हुई। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना में मृत व्यक्ति का नाम नारवाटी ग्राम निवासी रामू राजाराम भिलावेकर है। बताया जाता है कि मृतक रामू अपनी दोपहिया पर सवार होकर गांव की तरफ जा रहा था। उसी समय कलम खार के पास विपरीत दिशा से मोटरसाइकिल पर सवार राजेश मांगीलाल राठौड़ व उसका बेटा सक्षम राठौड़ आ रहे थे। रात के अंधेरे में दोनों दोपहिया वाहन चालकों के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल रामू भिलावेकर को धारनी के उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि जख्मी पिता पुत्र पर उपचार करने के बाद उनकी हालत भी नाजुक रहने से उन्हें अमरावती जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही धारनी पुलिस का दल घटनास्थल पर आ पहुंचा। पंचनामा करने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अगली खबर, नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस का दल पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी शनिवार की रात पुलिस को जानकारी मिली कि एक युवक हाथ में तलवार लेकर गौलीपुरा परिसर में दहशत मचाता घूम रहा है। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर युवक को कब्जे में लेकर उसके पास से तलवार जब्त की है। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम मोहम्मद सादिक उर्फ लखन मोहम्मद जमील है। इस आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आर्म एक्ट 135 मुंबई पुलिस कानून के तहत मामला दर्ज किया है। अगली खबर, अमरावती जिले में रविवार को कोरोना संक्रमण के 340 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में एक कोरोना मरीज की मृत्यु हुई है। रविवार को 565 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 99,434 हो गई है। अब तक जिले में 1,03,770 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि सक्रिय मामले 2,723 है। अब तक मृतकों की संख्या 1,581 है। अब तक कुल 947,751 नमूनों की जांच की गई है। इसमें स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत 95.82 है और मृत्यु दर 1.52% है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।